CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम अफवाहों से रहें दूर। रीना बेटी, अरे जल्दी आ, मेरा तो जी बड़ा घबरा रहा है, मुझे तो लगता है अभी जान ही निकल जाएगी। क्या हुआ मम्मी, आप इतना परेशान क्यों हो, इतना घबरा रही हो? आप यहाँ आराम से बैठो, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। अब बैठने का क्या फायदा? पर ऐसा क्या हुआ? मैं बताती हूँ, पर तू पहले ये फोन ले और इस मैसेज को अपने पापा, ताऊ जी, मौसी, बुआ और उनके बच्चों को भी भेज दे। अरे इसमें तो लिखा है कि आज शाम भूकंप आएगा और सब कुछ तबाह हो जाएगा। माँ इस पर विश्वास कर रही हैं? अरे ऐसा क्या होता है इस तरह के मैसेज पर आप इतना भरोसा कर रही हैं? पहले इसमें कितनी सच्चाई है यह तो पता कर लेती। ये क्या बोल रही है रीना, देख तो सही कितने लोगों ने इसे फॉरवर्ड किया है, क्या बिना विश्वास के ही? माँ ध्यान रखिए कि मोबाइल, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर प्रचारित किसी भी संदेश को फॉरवर्ड करने से पहले वह कितना सच है यह जांच लें। अच्छा? हाँ, सरकारी विभाग और अधिकृत एजेंसियों द्वारा सत्यापित यानी सही और प्रचारित संदेशों पर ध्यान दें। अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल न दें। आप ये भी ध्यान रखें कि अफवाहों को फैलाना भी अपराध है। अच्छा, मुझे तो ये पता ही नहीं था। हाँ, इसके लिए आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। अच्छा रीना, कह तो ठीक रही है, इतने लोगों ने भेजा तो मैंने जल्दबाजी में भरोसा कर लिया, अब से मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगी, आगे से तो ना इन अफवाहों पर ध्यान दूंगी और ना ही इन्हें फॉरवर्ड करूंगी। सोशल मीडिया है जानकारी का भंडार, पर जानकारी को परख कर करें विश्वास, करें इसका इस्तेमाल भरपूर, पर अफवाहों से रहें दूर। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अफवाहों से रहें दूर। कार्यक्रम समन्वय डॉक्टर राजेश कुमार निमेश, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर उषा शर्मा, आलेख डॉक्टर वंदना, वाचन याचना गुप्ता और प्रोफेसर मंजुला माथुर, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय साक्षरता केंद्रीय प्रकोष्ठ के सौजन्य से CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।